Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. I hope you guys are doing safe and sound. तो ये पैकिंग जो भी आपने अभी तक देखा, ये हो रही एक स्पेशल जगह जाने के लिए. और इस बार जो है, मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ. आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज दिस इज फर्स्ट टाइम जो कि मैं इतना लंबा ट्रैवल अकेले करने वाली हूँ. और मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्टी है, मतलब क्योंकि मैं कभी गई नहीं ऐसे अकेले. बट इट्स गोना बी फन बिकॉज मेरे लिए पूरा नया एक्सपीरियंस है और बहुत सारी लर्निंग्स भी होंगी. सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड ओपन टू ऑल द चैलेंजेस एज वेल. तो पैकिंग करते हैं और मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊँगी कि मैं जा कहाँ रही हूँ. आप लोग गेस कर सकते हैं मैं कहाँ जा रही हूँ, कमेंट से मुझे बताना. बाय. Hi guys, good morning and welcome back again to a new brand new vlog. I hope you guys are doing safe and sound. और by the way, अभी ना मैं क्या कर रही हूँ, मैंने शायद था कि मैं ट्रैवल करने वाली हूँ, तो ये सारा सामान ना मेरा पास ऐसे फैला हुआ है. तो फिल्म जिसे कहते हैं ना, वो चल रही है अभी मेरी. तो देखती हूँ कितना वेट होता है बैग का. और मुझे 30 kg अलाउंस मिला हुआ है. सो दिस इज़ गोना बी माई फर्स्ट सोलो इंटरनेशनल ट्रिप. मैंने बताया कि अभी मैं कहाँ जा रही हूँ? नहीं बताया ना, बताऊँगी भी नहीं. बताऊँगी यार, छुपा के क्या करूँगी. तो बताऊँगी और थोड़ी देर में बताऊँगी. पिंकी प्रोमिस. तो अभी जल्दी से मैं पैकिंग करती हूँ और फिर पैकिंग करने के बाद जो है कुछ और भी प्लान्स हैं. कूपर को डॉक्टर के पास, ये मैं बार बार ये तो बार बार ऐसे ऐसे करके मैं नेल्स कर दिखा रही है. तो लोगों को समझ में नहीं आता कि तुमने नेल्स ब्राउन कर रही है, बड़े हो गए, बार बार सुंदर दिख रहे हैं. वो एक्चुअली क्या है ना यार, मैंने ना अपने नेल्स बढ़ाए हुए हैं और बहुत रेयरली मैं ऐसे काम करती हूँ, ऐसे काउंट करती हूँ. मैं अपने नाखून यूजुअली बढ़ा के नहीं रखती हूँ और अभी ना थोड़े से वो बढ़ रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं. एनीवेज, मेरी बकबक चलती रहेगी. चलो मैं अभी जल्दी से पैकिंग करती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ. बाय. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग. नेक्स्ट डे हो चुकी है. तो जैसे कि मैंने आपको कल अपडेट दिया था कि मेरी पैकिंग चल रही थी, तो पैकिंग फ़िलहाल हो चुकी है डन. और बस यार, अभी ना काफ़ी छोटे मोटे काम मेरे बचे हुए हैं, तो वो मुझे करना है अभी. कल मैं बहुत थक गई थी क्योंकि वो था ना लास्ट डे में सब चीज़ें याद आती है इधर उधर की. तो वो सब चीज़ें कल करते करते, मतलब आई वॉज रियली टायर्ड और फिर मैं सो गई टाइम पर. अब बस अभी सुबह के 8 बज गए. अब अपनी जो फाइनल चीज़ें हैं, मतलब सब सॉर्ट कर रही हूँ एंड बस निकलते हैं 11 बजे तक और मे बी 11:30 तक. और कहाँ जा रही हूँ जैसे कि अभी तक बताया नहीं है, तो वो बताऊँगी आगे. एक्साइटमेंट है बट नर्वसनेस भी है बिकॉज मैंने पहले भी मेंशन किया, दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम ट्रैवलिंग अलोन ऑन अ इंटरनेशनल ट्रैवल इंटरनेशनल डेस्टिनेशन. होप फॉर द बेस्ट. पता आपको, कल मैंने ना सब चीज़ें मतलब पैक कर दी थी एंड देन जब मेजर किया तो वो वेट से ज़्यादा ही हो गया था. अभी मैंने सब कुछ मतलब निकाल लिया है फाइनली. अभी भैया उठेगा मेरा, मतलब ऋषिल उठेगा अभी, तो फिर अगेन हम मेजर करेंगे कि अब कितना है. मुझे भी नहीं पता अभी कितना है, थोड़ा हैवी है, मैं अकेले नहीं उठा सकती. तो देखते हैं अभी, अब कुछ और निकालना पड़ेगा. तो मेरे दिमाग में तो आ गया है कि अगर ऐसा ऐसा होता है तो मुझे क्या क्या निकालना है. तो वो सब प्लानिंग हो चुकी है मेरे दिमाग में. अब आगे देखते हैं क्या होता है, होपफुली ना हो, क्योंकि बहुत कम ही रखा है अब मैंने जो रखा है. तो बस मैंने ना अभी सिम वगैरह चेक कर लिया, तो सिम चल रहा है मेरा. ये उस जगह का सिम है. तो टाइम टू लीव. मैं हो चुकी थी रेडी, अब चलते हैं. अब जो है ना, पूरा स्टार्ट हो चुका था मेरा ट्रैवल और मम्मी और रुशिल एंड कूपर मुझे ड्रॉप करने जा रहे थे एयरपोर्ट. यहाँ पे मेरे साथ एक बहुत अजीब सी चीज़ हुई थी. तो बिकॉज हुआ क्या, आई बॉट स्वीट्स जो कि पूरा पैकेट ऐसे ही पीछे सीट पे रखा था. आउट ऑफ सडन आई डोंट नो कहाँ से एक छिपकली आ गई यार सीट में एंड मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाई. रुशिल ने मुझे साफ मना कर दिया, मैं नहीं रोकूंगा, आई एम नॉट गोना स्टॉप, ऐसे ही बैठी रहो. और यार मैं वो ना डर के मारे एकदम जल्दी जल्दी में वो पैकेट पीछे ही भूल गई छिपकली का सोच सोच के. एंड मिठाई घर पे ही रह गई और मैं एयरपोर्ट पर पहुंचने वाली थी. एंड यार बहुत दुख हो रहा है. तो यार अब बता देती हूँ, बहुत देर हो गई. सो आई एम ट्रैवलिंग टू दोहा क्योंकि बहुत सारे रीजंस थे. मिलने जा रही हूँ, उससे बड़ा रीज़न क्या हो सकता है. सो आई एम गोइंग देयर एंड
लेट्स गो, और आपको भी लेके जाते हैं हाँ। बाकी इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ दिल्ली एयरपोर्ट पर होगा, सो आई विल कीप यू पोस्टेड। बैठी हूँ अपने बोर्डिंग गेट के सामने और थोड़ा रश है, मैं वेट कर रही हूँ बोर्डिंग का। बोर्डिंग जब भी देते हैं टाइम उस टाइम पे तो कभी स्टार्ट करते नहीं है, शायद मेरी वॉइस उतनी क्लियर नहीं होगी, पीछे बहुत हल्ला हो रहा है। तो एनीवेज मेरी सिक्योरिटी यहाँ पे हो चुकी थी एंड देन अब इमिग्रेशन होगा दिल्ली एयरपोर्ट में और लगेज वगैरह सब वहीं पर कलेक्ट करना होगा। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको वहीं बताऊँगी। सो दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम सोलो इंटरनेशनल ट्रिप, मैंने जैसे पहले भी मेंशन किया था, तो आई एम एक्साइटेड और अपने सारे एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, इसीलिए मैं ये क्लिप रिकॉर्ड भी कर रही हूँ। तो चलो अब चलते हैं अपने अगले क्या बोलते हैं अगले उसमें के बाद। मेरा जो ये ट्रिप है तो इट्स लाइक मैं लखनऊ से दिल्ली एंड दिल्ली टू दोहा है, बिकॉज लखनऊ से दोहा की डायरेक्ट कोई फ़्लाइट थी नहीं। तो मैं बस अभी यहाँ से निकल चुकी हूँ लखनऊ से दिल्ली के लिए। आई थिंक इट विल टेक अराउंड 45 मिनट्स टू लैंड। तो दिल्ली में आपसे मिलती हूँ और फिर हमें फ़्लाइट में कुछ रिफ़्रेशमेंट्स भी ऑफ़र किए थे, जिसमें एक जूस था, सैंडविच था और पानी की बॉटल थी एंड यहाँ दैट्स इट। तो ये सब चीज़ें हमने खाई, इन्जॉय किया थोड़ी देर और यार मुझे इतनी नींद आ रही थी एंड जैसे ही लगा कि थोड़ी देर सोती हूँ वैसे ही वी लैंडेड। तो मैं अभी पहुंच चुकी हूँ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट T3 टर्मिनल दिल्ली और बस अब मैं जा रही थी ट्रांज़िट के लिए, बिकॉज़ मुझे यहाँ पे बैग कलेक्ट नहीं करना था और यहाँ से डायरेक्टली मुझे अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट का वेट करना था। तो मैं इमिग्रेशन के लिए जा रही थी अभी। ऑल दो लेओवर तो काफ़ी लंबा था, ऑलमोस्ट 5 आवर्स का, पता है फ़्लाइट में बैठते ही मुझे एक टेक्स्ट आया था लाइक बिफोर टेक ऑफ कि मेरी जो नेक्स्ट फ़्लाइट है दिल्ली टू दोहा वो डिले हो गई है बाय 3 आवर्स। तो पहले कुछ 7:30 का था टाइम एंड अभी वो 10:30 हो गया था, तो अभी लंबा वेट और बढ़ गया यार। तो अगर आपकी भी कनेक्टिंग फ़्लाइट है तो आपने एग्ज़िट नहीं लेना, बैगेज एग्ज़िट नहीं लेना, आपने जाना इंटरनेशनल ट्रांसफ़र की तरफ। तो मैं अब जा रही हूँ इमिग्रेशन के लिए। इमिग्रेशन में ऑल दो इतना क्यों नहीं था, सो इट वॉज़ सुपर क्विक एंड उसके बाद बट यार यहाँ पे जो ऑफिसर्स बैठे थे ना दे वर वेरी रूड। इट्स ओके, अभी क्या बोल सकते हैं, ठीक है जो हुआ सो हुआ। अब मैं यहाँ पे जा रही हूँ टाइम काटने के लिए क्योंकि मुझे 5 से अभी 7 घंटे और वेट करना था, फ़ोन की बैटरी भी डेड हो रही थी। ठीक है, वेलकम बैक। तो यार मैं अभी अपना इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ करके बैठी हुई हूँ और यहाँ पे ना फ़ोन चार्जिंग पॉइंट मुझे बहुत मुश्किल से मिला क्योंकि सारे के सारे ऑक्यूपाइड थे, तो एक मुझे मिल गया, बस मैं यहाँ पर बैठ गई इस तरफ। और फ़्लाइट क्योंकि 10 बजे की है सो आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई थिंक 4 आवर्स आई हैव, और मुझे 4 घंटे बस ऐसे ही बैठना है, वेट करना है। तो बाकी इमिग्रेशन का जो एक्सपीरियंस था इस बार नॉट सो गुड, थोड़ा रूड थे वो लोग, बट देन इट्स फाइन, हो गया जो होना था। एंड देन उसके बाद चेक इन प्रोसेस वॉज गुड, बाकी सब चीज़ें बहुत अच्छी हुई। बहुत बड़ा मेरा पोपट हो गया, मैं एक्चुअली एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी नॉट फॉर पोस्टिंग समवेयर, बट वो गलती से मेरे से ना पोस्ट हो गई इंस्टाग्राम पे, तो लोगों को ना डाउट हो गया कि मैं कहीं ट्रैवल कर रही हूँ। तो बस मेरा जो सरप्राइज था वो हो गया ख़त्म, बट एनीवेज कोई बात नहीं, पता तो चलना ही था और देखते हैं। और यार ये वाली फ़्लाइट में इतना ज़्यादा टर्बुलेंस था, मेरी जो ये फ़्लाइट थी 45 मिनट्स की थी लखनऊ से दिल्ली, बट इतना ख़तरनाक टर्बुलेंस था और वेदर भी अच्छा नहीं था, तो हम लोग 45 मिनट्स के जगह 2 आवर्स 15 मिनट्स पे लैंड हुए दिल्ली। अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ा ना अपने फ़ोन को चार्ज होने देती हूँ, रेस्ट देती हूँ, वरना पावर बैंक तो कैरी नहीं कर रही हूँ, भूल गई हूँ, तो इसीलिए थोड़ा बहुत चार्ज होने देते हैं क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है। और अभी तक का सोलो ट्रैवल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हुआ रहा है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं लगा हमें, आई एम एक्चुअली एंजॉइंग इट। तो आगे भी ऐसे ही रहे एंड आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट, विश मी बेस्ट ऑफ जर्नी। वैसे जब तक ब्लॉग आएगा तब तक मैं वहाँ पहुँच चुकी हूँ, बट खैर फिर तो 84 मिनट थोड़ी देर के बाद। यार अब समझ आ रहा है अकेले वेट करना कितना मुश्किल है, पहले मुझे लग रहा था कि आराम से कटेगा बट आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग। अभी भी आई थिंक 1-2 मोर आवर्स टू गो, सो आई एम स्टिल वेटिंग।
7.5 hours से ज़्यादा का ले ओवर हो चुका है। थक गई हूँ यार, बट बोर हो के कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम तो काटना ही है, तो सोचो थोड़ा वॉक कर लूँ। आई थिंक वो बेटर रहेगा, वॉक करते हैं और थोड़ा एयरपोर्ट ही एक्सप्लोर कर लेते हैं बैठे बैठे क्या करें। मैं अभी तक वहीं पे बैठी हूँ यार, लोग सोचेंगे कितना चार्ज कर रही है, बट दो फ़ोन है ना, इतना धीरे चार्ज हो रहा है। मैंने सोचा यहीं बैठ जाते हैं, काउच भी काफ़ी कंफर्टेबल था। अभी चलिए थोड़ा वॉक वॉक करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। और अब फिर से मेरा बोर्डिंग गेट चेंज हो चुका है, तो थैंकफुली मैं ना बोर्ड के सामने थी तो आई गॉट टू नो जल्दी से। और एक चीज़ और, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है एयरपोर्ट लाउंज के नाम पे, तो दिल्ली T3 टर्मिनल का ये लाउंज है एंड काल्म ड्राइव, तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे जा सकते हो। मुझे तो मम्मी ने घर पे बना के दिया था खाना, तो मम्मी ने कहा यही खाना, बाहर का कुछ मत खाना, तो इसीलिए मैं ये फूड इन्जॉय करी थी। एंड द मोमेंट इज हियर, आई वाज सो एक्साइटेड क्योंकि अब बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी थी फाइनली, और इतना लंबा वेट करने के बाद चलो ठीक है, देर आए दुरुस्त है, बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो चलो अभी चलते हैं अपनी सीट ढूंढते हैं। तो मेरी सीट 39J पीछे की ली थी क्योंकि मुझे विंडो चाहिए थी और यही ऑप्शन मिला मुझे। एनीवेज कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, और ये बड़ा वाला बोइंग था तो 3 रोज वाला। और यहाँ से हम बस निकल रहे थे यार, आई एम सो एक्साइटेड। सुनिश्चित करें कि उड़ान के दौरान आपका मोबाइल फोन बंद है या नॉन ट्रांसमिटिंग मोड, जैसे फ्लाइट मोड। एक चीज तो आज मैंने मान ली है, नजर रियल होती है। आप सोच रहे होगे कि मैं अचानक से ऐसे क्यों कर रही हूँ, क्योंकि प्लेन तो ऑलरेडी टेक ऑफ कर चुका था, तो टेक ऑफ के लिए हम निकल ही रहे थे वहाँ से, बट प्लेन में टेक्निकल इशू हो गया था और ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ। मुझे इतना ख़राब लग रहा था गाइस, ऑलरेडी मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे, इतनी गर्मी थी बाहर और प्लेन के अंदर एसी काम नहीं कर रहा था, उसका हाइड्रोलिक सिस्टम जो है वो ख़राब हो गया था। एंड उसके साथ साथ एक कुछ मतलब जो पायलट ने हमें बताया कि इंजन में भी प्रॉब्लम है। एंड बस अभी यहाँ पर उन्होंने मम्मी बोला था कि वेट करना है क्योंकि जो इंजीनियर है वो आएगा, जब ये रिपेयर होगा तभी वो इश मतलब टेक ऑफ के लिए रेडी होंगे, अदरवाइज़ ये उनकी पॉलिसी के अगेंस्ट है, एंड विच मेक सेंस बिकॉज हमारी लाइफ के साथ रिस्क तो नहीं ले सकते ना। बट यार वो ना फालतू में हम लोगों को बोले जा रहे थे, एंड आपको पता है ऐसी गर्मी में इतना सफोकेशन हो गया था हम सभी को, और ये लोग उतार भी नहीं रहे थे। हम नीचे सब लोगों ने ना हल्ला करना शुरू कर दिया कि हमें नीचे तो उतार दो कम से कम भाई, तो हम मर जाएंगे यार, इतनी गर्मी थी। अभी फाइनली नीचे आ चुके हैं और पता नहीं मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मतलब ऐसा यार, मतलब आप सोच सकते हो सब कुछ रेडी था, चलते हुए प्लेन से मतलब उतर गए, और बीच में तो और ख़राब किया। मेनली आई थिंक 1.5 घंटा हम लोगों को ना बस में बंद कर दिया था इन्होंने, क्योंकि उसमें एसी था और बसेस में आपको पता है बैठने की कितनी जगह होती है, तो सब लोग इतने गुस्से हो गए थे। फिर हम लोगों को वापस हमारा इमिग्रेशन कैंसिल हुआ, देन वी अगेन केम बैक टू दैट सेम टर्मिनल T3, और वहाँ पे इतनी लड़ाई हो गई थी स्टाफ और पैसेंजर्स के बीच में, आप देख सकते हो पूरा कि क्राउड, सभी लोग परेशान थे यार। दिल्ली एयरपोर्ट, और इससे पहले कि आपने क्लिप्स में देखा होगा, सो हम लोग पिछले 3 घंटे से प्लेन में कुछ इश्यूज थे एंड ख़राब हो गया है, कुछ भी बोल के हमें उतार दिया प्लेन से, एंड अब बोल रहे हैं कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। इट्स लाइक हमें, मैं लखनऊ से इधर आई हूँ, अब बोल रहे हैं फ़्लाइट कैंसिल है, रिफ़ंड ले लो। पिछले 14 घंटे से हम लोग वेट कर रहे हैं एंड देयर इज़ नो अपडेट, कुछ अपडेट भी नहीं दे रहे, बार बार बोल रहे प्लेन में इशू है। कितनी गंदी सर्विस है इन लोगों की, और आई हैव सीरियसली नो वर्ड्स, बट रियली दिस इज़ हॉरिबल। आई एम रियली, मैं इस समय सच में रिग्रेट कर रही हूँ बुकिंग फ्लाइट विद एयर इंडिया, हॉरिबल सर्विस। इतना गुस्सा आ रहा था, ये लोग कुछ अपडेट नहीं कर रहे थे, बार बार हमारी पता है, हमारी 2 बार बोर्डिंग हुई, 2 बार इमिग्रेशन हमारा कैंसिल हुआ है, उसके बाद भी ये लोग कुछ बता नहीं देते, कभी बोल रहे नेक्स्ट फ्लाइट, फिर कह रहे कैंसिल हो गई है। एटलीस्ट लोगों ने बोला हमें होटल दो, हमें कल का नेक्स्ट फ्लाइट अरेंज करके दीजिए, आप कैसे भी भेजिए, हमें रिफ़ंड नहीं चाहिए, वी वॉन्ट द नेक्स्ट फ्लाइट। देख लो अभी, मतलब रात से कुछ नहीं खाया, सुबह के 4 बज चुके हैं और सब लोग इतना थक चुके, हम लोग सिर्फ खड़े हैं
और कुछ भी अपडेट नहीं है। फाइनली अभी जा कर के एक होटल इन्होंने हमें दिया है, सुबह के 6 बजे हम लोग यहाँ होटल में आए हैं। होटल हमें दिया था उन्होंने दी ग्रैंड, जो कि मुझे अच्छा लगा। रूम्स अलॉट हुए, आई वाज सो टायर्ड। अभी चलते सीधे रूम की तरफ। तो दिस इज द रूम दे हैव प्रोवाइडेड, एंड एंटर करते ही लेफ्ट साइड पे इधर वॉशरूम है। ओके, वॉशरूम लुक्स नाइस। तो यहाँ पे एक बाथ टब दिया हुआ है, उसके अलावा ये है बाथिंग एरियाज एंड पीपी, देन दिस बेसिन। कुल मिला के वॉशरूम लुक्स नाइस। और इधर एक वार्डरोब है जो मेरे तो फिलहाल अभी किसी काम की नहीं है, बट एनीवेज द वॉशरूम इज़ नाइस। और उसके अलावा ये है हमारा रूम, सो दिस इज द रूम। रूम अच्छा है, नो डाउट इन दैट, आई लव्ड इट। और सेम फ्लोर है तो शायद नीचे देखने का ऐसा कुछ होगा नहीं है यार। वाओ, तो ये है रूम एंड इट्स ब्यूटीफुल। पूल में भी जा सकते थे बट कपड़े नहीं लाए हैं तो इससे कुछ फ़ायदा नहीं है यार। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, क्योंकि मैं बोल रही थी कि बहुत ही ज़्यादा टायरिंग हो गया है और अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। रात भर नहीं सोए, मतलब इट्स लाइक कल रात भी अच्छे से नहीं सो पाए क्योंकि अगले दिन जाना है दिमाग में रहता है। तो बस अभी मैं रेस्ट करती हूँ और मुझे भी नहीं पता कि अगली फ्लाइट कितने बजे होगी, ये लोग बता देंगे, कॉल आएगा या जैसे करेंगे, मुझे भी नहीं पता। तो यार दिस अभी के लिए, कल का व्लॉग कल स्टार्ट करेंगे, अभी के लिए इतना ही। अब बस जल्दी से दोहा पहुँचना है और पेशेंस नहीं है। सो या ये एक एक्सपीरियंस था एयर इंडिया का, जो कि हॉरेबल तो था बट एंड में ये रूम अच्छे से दे दिया उन्होंने। सो बाकी स्टोरी मैं आपको अच्छे से बताऊँगी कि एक्चुअल में हुआ क्या था। तो अभी के लिए इतना ही। आई होप यू गाइस इन्जॉयड वॉचिंग इट, तो नहीं बोलूँगी मैंने बिल्कुल भी इन्जॉय नहीं किया, बट आपके लिए एक एक्सपीरियंस हो सकता है जो कि मैंने अपना शेयर किया। सो आई होप आपके लिए भी हेल्पफुल होगा। और तब तक के लिए मैं अभी रखती हूँ, मतलब अभी मैं कुछ भी बोल रही हूँ, मैं अभी लिटरली कुछ भी बोल रही हूँ, मैं नींद में हूँ। तो यार मैं अभी सोती हूँ, आपसे मिलती हूँ कल। और अब कल ऐसा ना हो प्लीज़, होप फॉर द बेस्ट, कल ऐसा नहीं होना चाहिए। टाइम पे 4 घंटे की फ़्लाइट लेनी है, बस डायरेक्ट दोहा पहुँचना है, दैट्स इट, और पेशेंस नहीं है। सो विश मी लक एंड होप फॉर द बेस्ट। आई विल सी इन माई नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन बाय। डू शेयर, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ दीपांशी डायरीज। आई विल सी इन माई नेक्स्ट वन, बाय।